सितारू तोरे लगा मेरे रामो लगन बोलो श्री रामो लगन बोलो रामो लगन बोलो श्री रामो लगन। अब जितने रक्षक हैं बाघ के सब परेशान हो गए। हनुमान जी पेड़ उखाड़ रहे हैं, फल खा रहे हैं। ओए ये क्या देख रहा हूं है? ये क्या हुआ? अरे सारे फल और सारे पेड़ देखो, एक बंदर वहां भी खा रहा है, केला खा रहा है। ये तो बहुत ये बताओ ये फल किस किसने खाए हैं? जिसने भी खाए हो, तुमने भी खाए हैं, तुमने भी खाए हैं, ले आओ 120 रुपया किलो से पैसा दे। और आप हैं पंकज डीजे एंड साउंड सर्विस ग्राम बसवारी से आदरणीय श्री सुरेश राजपूत जी, जो बसवारी रामलीला समिति के मजबूत स्तंभ हैं। आपकी ओर से 100 पुष्प मुद्राएं स्पेशल व्यासपीठ के लिए और मान्यता कोचिंग सेंटर चिल्ली मांझखोर आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं। धन्यवाद। अरे दैया रे, ये बहुत बुरा हाल किया है, हैं के आया ओए। अच्छा तो तूने ये बाग उजाड़ा है? मैंने ही उजाड़ा है। ये बता क्यों तू नर है कि मादा? तुम्हें पता नहीं मैं बंदर हूँ? तुम लेडीज हो कि लेडास? मैं ये जानता नहीं। अरे लुगाई हो कि आदमी? ये बताओ। एक खड़े हो जाओ, खड़े हो पितारा। ये बताओ मैंने फल खाए? क्यों 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 कहा? भूख लगी थी। भूख लगी तो पेड़ क्यों तोड़ दिए? तो इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे गुस्सा नहीं होंगे, बताओ। मैंने इन पेड़ों को सींच सींच कर जवान किया है, और तूने यार मार दिया। मैंने मार दिया और क्या? तोड़ दिए सारे पेड़ तो। अरे वो बंदर का स्वभाव होता है ऐसा। मैं इस डाली से उस डाली कूद रहा था, टूट गई डाली है, तो मैं क्या करूं? अच्छा ऐसा टूट गई? हाँ। अच्छा ये बात है, झूठ बोल रहा है? झूठ नहीं बोल रहा, तुझे शरीर नहीं दिखता? क्या दिखता है शरीर? है इतना बड़ा बंदर किसी डाली में कूदेगा तो टूटेगी नहीं? तुम्हारा क्या नाम है? हनुमान। हनीमून क्या बोला? हनुमान। हनुमान हाँ। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने खुद जानबूझकर पेड़ नहीं तोड़े ना? इस डाली से उस डाली गए तोड़? झूठ बोलता है। देखिए अरे समिति से अनुरोध है कि चाय की व्यवस्था करा दे कलाकारों के लिए, ध्यान दें। और श्री तेज सिंह लोधी, श्री तेज सिंह लोधी जी चिटोरा वालों की ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं हमारे हास्य कलाकार भाई नंदू जी के लिए। धन्यवाद भैया। ऐसा करो, आपका नुकसान हुआ है तो मैं गुस्सा ना करूं, मैं आपकी सेवा ना कर दूं? सच्ची? हाँ। डर गया बंदर, डर गया मुझको, मुझको डर गया। हाँ मुझे मुझे देखते ही अच्छे अच्छे डर जाते हैं। ये तो क्या छोटे मोटे बंदर बंदरिया, चल मेरी सेवा कर, चल ले मेरा हाथ दबा, पैर दबा। और बढ़िया अच्छे से। मार डालूंगा कायन कहीं के। दूर से बात करना ठीक है ना? फालतू की बात नहीं, हाथ ना मारना। आप बता दिया मैंने, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। क्या होगा? मार मार के पसार दूंगा। अच्छा मारेगा? चल मार। नहीं नहीं रुक जाओ, सुनो
सुनो हाथ मत चलाना, तुम बानर नहीं तो अमित भाई मिल गया यहीं। मैं अभी जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ अपने। तो जल्दी जा महाराज। ओ महाराज, चला इंद्रजीत। देखिए महाराज, ओ महाराज, महाराज रावण के दरबार में एक माली पहुंच गया, जैसे तैसे बच करके। अब महाराज को यह समाचार बताया, नाथ एक आबा कपिभारी, जही अशोक वाटिका उजारी। महाराज की जय हो। अंधेरा कायम हो। महाराज, अशोक वाटिका से हमारी राजसभा में इतना भयभीत, कहो क्या कारण है? महाराज, एक बानर आया है अशोक वाटिका में, उसने सारी अशोक वाटिका उजाड़ दी और हमको मारा, और कुमार अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। अशोक वाटिका में हमारी चार प्रकार की सेना थी, वो सेना कहाँ गई? सरकार सब थे और उन्होंने भी सामना किया, लेकिन उसने सबको मारा। किस तरह? हमको भी मारा। किस तरह? जो तुम्हारी बात है अपनी बात पूरी बताओ। ऐसे ही तो सर, सरकार और कुमार अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। बुलाओ पुत्र मेघनाथ को। ठीक है सरकार। युवराज मेघनाथ हाजिर हो। पिता श्री की जय हो। वो दुश्मन की जय हो। पिताजी का बोल बाला, ये दुश्मन का मुंह काला, ये बजा करती है जो दुंधवी, ये आकाश सुरन में, ये हमारी ही आभा है जो सूरज बन चमकती है, ये हमारी ही शोभा है जो चंद्रमा बन चमकती है। पिताश्री के जीवन की जय जयकार हो, जय जयकार हो। विजयी भव पुत्र मेघनाथ। अशोक वाटिका में न जाने कहां का बानर आ गया, जिसने अशोक वाटिका को उजाड़ दिया, वहां के सैनिकों को समाप्त कर दिया। क्या कह रहे हैं पिताश्री? इतना ही नहीं, तुम्हारे अनुज अक्ष कुमार का भी उस बानर के द्वारा। नहीं पिताश्री, उस बानर की ये मजाल कि मेरे भाई का वध करके अभी तक जीवित है। बस आपका आदेश पा जाऊं तो उस बानर को अभी मैं मृत्यु की नींद सुला सकता हूं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। देखना घननाथ, वो बानर है बलवंत, बध करना नहीं, बांध कर लाओ उसे तुरंत। उसे बांध करके हमारी सभा में लाओ, हम भी तो देखें वो कितना बलवान है, कहां का है, क्यों आया है। इसलिए केवल बांध करके हमारे सामने। अवश्य आपके आदेश का पालन होगा पिताश्री। प्रणाम स्वीकार हो। सेवक चलो हमारे साथ। चले महाराज। कहा चला इंद्रजीत अतुलित जोधा, बंधु निधन सुन उपजा क्रोधा, कपिते खाता रुन भटियाबा, कपिते खाता रुन भटियाबा, कट कटाई कर जा अनुधावा, कट कटाई कर जा अनुधावा, कट कटाई कर जा अनुधावा। ए दरक, कहाँ है वो बानर? ये यही बानर। कितना का है, डर रहा है? तो मारता बहुत है। कौन मारता है? ये तो बात कम करता है। अरे अब ना डरो, तो अब हम हैं।
डट। बानरी के बच्चे, तूने हमारे बाग को तहस नहस कर दिया, हमारे वृक्षों को तोड़ दिया, यहाँ तक कि हमारे भाई अक्षय कुमार का वध कर दिया। सावधान हो जा, पिता श्री का आदेश नहीं है, नहीं तुझे अभी मैं पल भर में मृत्यु की नींद सुला देता। ये डाली डाली उछल उछल कर दिखलाता है चाल। ले तुझको बंदी करता हूँ, तू अपने लिए संभाल, सावधान हो जा। बदल घन्नाद इरादे को, वरना मजबूर कर दूंगा, पकड़ कर के तन हथेली से मैं तुझको चकनाचूर कर दूंगा, लपेट कर पूंछ से अरे ऊपर उछालूंगा, बच गया कहीं से जिंदा तो इस गधा से मार डालूंगा। चल सावधान सावधान सावधान। का पार चढ़ा तरु जाई, ताही एक क्षण मूर्छा आई। वास्तव में सेवक ये वानर वीर है। उठ मोर की नस बहु माया, जीत न जाई प्रभंजन जाया। मैंने तो पहले कहा था सरकार कि बड़ा वीर है ये वानर। बस अब इसे ये ब्रह्म शक्ति में बांध कर ही पिताश्री के पास ले जाना होगा, नहीं तो ये मेरे प्राणों का अंत कर देगा। सावधान सावधान। ब्रह्मपाल कपि कहु देही मारा, परते हो पार कटक संधारा। बोल, बाबू चकरा था आए, अब बता बेटे, हैं नाच, चल नाच, बता क्या किया जाए, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, या तेरे नीचे बम धर के फोड़ दिया जाए। इसे पिताश्री के समीप ले चलो। चल ऐसे नहीं, नचाओ इसे, नाच। अरे नाच मेरी बुलबुल। ओए हाथ चला रहा अभी भी? अरे वो भी सब कुछ चलाएगा, अकल बाकी है इसमें अभी। ले चलो चलो चल। देखे पिताश्री, यही है वो दंड बानर जिसने हमारे बाग को जाड़ा है, हमारे भाई अक्षय कुमार का वध किया है। इसे बंधन मुक्त किया जाए, जाओ ठीक विश्राम करो। बानर, इस त्रिलोक में जितने भी बानर हैं, मैं सभी के बल से भली भांति परिचित हूं। ये साहस किसी भी बानर में नहीं है कि लंका में आकर के उपद्रव मचा सके। तूने हमारे राज्य में आकर उपद्रव मचाया, किसके बल पर? के बल घालेश बनखीसा, हमारी भाटका किसके बल पर उजाड़ी की? धौल श्रवण सुनो नहीं मोही, देखे वद्य शंख सरतो ही। क्या तूने हमारा नाम और हमारा प्रताप अपने कानों से नहीं सुना? बड़ा निरंकुश है मारे निश्चर, कही अपराधा कौ सरतो ही न प्राण के बाधा। राक्षसों को किस अपराध से मारा? क्या तुझे अपने प्राणों पर मोह नहीं रहा जो तूने हमारे राज्य में आकर के ये उत्पात मचाया? हे रावण, सर्वप्रथम मेरा प्रणाम स्वीकार करे। और आपने पूछा कि तू कौन है, तो राम दूत, मैं दशकंदन में प्रभु श्री राम का सेवक हूँ। सुनो रावण, ब्रह्मांड निकाया, पाई जासु बल विचित माया, जाके बल बिरंच हरीसा, पालत सजत हरत दसीसा, जिनके बल से माया सृष्टि का सृजन और पालन करती है, और ब्रह्मा विष्णु महेश और सहजी संपूर्ण पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। मैं उन्हीं प्रभु का सेवक हूँ, और जिन्होंने तिसरा और बाली का वध किया, मैं उनका सेवक हूँ। हे रावण, मैं आपके प्रवता को अच्छी तरह जानता हूँ, जानो मैं तुम्हार प्रवता ही सहस भाव सन परिलर आई, समर वाली सन कई जस भावा, आपने बाल के साथ युद्ध करके यश प्राप्त किया है। और आपने पूछा
कि वृक्ष के उखाड़े क्यों तोड़े तो खायो प्रभु लागे भूखा कब स्वभाव थे तोरे रूखा मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाए। बंदर का स्वभाव होता है इस डाली से उस डाली उछलकर मैंने फल खा रहा था इसलिए आपके वृक्ष की डालियां टूट गई और आपके पुत्र ने मुझे बांध लिया इसमें मुझे तनिक भी लज्जा नहीं। मैं चाहता हूँ मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ सुनो रावण प्रभु की शरण में चले जाओ जिससे तुम्हारा कल्याण होगा क्योंकि संसार में जो श्री राम जी से वैर करता है उसकी सहायता संपूर्ण चराचर जगत में कोई भी रक्षा नहीं कर सकता। जिस प्रकार एक नारी संपूर्ण आभूषणों के सुशोभित हो और अगर वस्त्र ना हो शरीर में तो शोभा नहीं पाती इसलिए मैं चाहता हूँ तुम प्रभु के शरण में चले जाओ तुम्हारा भला होगा क्यों पुलस्त्य ऋषि के कुल में कलंक बन रहे हो। सुन रहे हो ये वानर हमें गुरु बनकर के उपदेश दे रहा है इसे समाप्त कर दिया जाए। सुनत निसाचर मारन धाए सचिवन सहित विभीषण आए। ठहरो ठहरो विभीषण का नाम नाय शीश करी विनय बहुता नीति विरोध न मारिय दूता। हे भ्राता आप नीति और धर्म को भली भांत जानते हैं दूत का वध करना नीत के अनुसार उचित नहीं होगा। हे भैया इसको मृत्यु दंड न दे करके और कोई दूसरा दंड दे दिया जाए। सुनते बिहसी बोला दस कंधर अंग भंग करी पठी बंदर। सैनिकों जाओ विभीषण अब तुम विश्राम करो बानर को मृत्यु दंड नहीं देना है बल्कि इसे दूसरा दंड देना है और मेरा मत तो यह है कि इसका कोई अंग नष्ट कर दिया जाए। अब इसका कौन सा अंग भंग किया जाए ये निर्णय तुम्हें लेना। समझ रहे हो ना क्यों विरोध सुन रहे हो ना। हाँ सरकार इसकी नाक और कान काट लिए जाए। अरे नाक कान अगर हम लोग काटेंगे तो फिर इनके स्वामी जो है वो क्या काटेंगे। हाँ ये भी बात सत्य कह रही है सरकार नाक कान ना काटना चाहिए। और कुछ सोचो और कुछ। हाँ सरकार इसके हाथ पैर काट लिए जाए और समुद्र में फेंक दिया जाए। अगर हाथ काट लेंगे तो ये भोजन कैसे करेगा ये भी सत्य। पैर काट लेंगे तो ये वापस कैसे जाएगा ये भी सत्य। मैं बता रहा हूँ हाँ। क्या करना क्या करना है सर। कपि की ममता पूछ मैं समय कहो समझाए तेले वोर पट बाद पुनि पावक देहु लगाए। जब पूछीन बानर जाएगा तो स्वामी को अपने भड़काएगा और लड़ने के लिए उन तपस्या को अति शीघ्र यहां पर लाएगा। अस्तु इसकी पूंछ में आग लगा दी जाए और पूंछ राज्यसभा में नहीं लगेगी। हाँ इसे पकड़ के ले जाओ पीछे। ठीक है सरकार। और नगर के बाहर इसके आग लगा देना। जी सरकार। क्योंकि इसकी आग का कोई भी प्रभाव हमारे नगर में नहीं पड़ना चाहिए। बिल्कुल सरकार। अगर राज्यसभा में लगाओगे तो हो सकता है ये सैनिक भी प्रभावित हो। हाँ इसलिए ले जाओ इसको पकड़ के। जैसी आज्ञा मह। ए बनरी के बच्चे चल जलाती जलाती जलाती। देखिए पूंछ में इतने वस्त्र लपेटे गए इतना घी लगाया गया तेल लगाया गया रहा न नगर बसन घृत तेला। पूरे नगर में वस्त्र नहीं बचे तेल नहीं बचा। हनुमान जी पूंछ बढ़ाते गए लेकिन वस्त्र कम पड़ गए लेकिन पूंछ बढ़ती गई। और लगाती 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 एक बानर ने लंका जला दी जलाती 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 एक बानर ने लंका जला दी। उ
सब लंका जारी, उलट पलट सब लंका जारी, कूद परा पुनी सिंधु मझारी, जलाती 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 एक बानर ने लंका जलाती, जलाती 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 एक बानर ने लंका जलाती। और अभी आप लोगों ने ये संक्षिप्त लंका दहन का पावन चरित्र देखा। अब यहां से जो आगे का प्रसंग है वो लक्ष्मण शक्ति की लीला है। आइए श्री लक्ष्मण जी और मेघनाथ जी का सुंदर युद्ध आप लोग देखने जा रहे हैं। और हमारे श्री तेज सिंह लोधी जिटोरा वालों की ओर से सौ